छतरपुर जिले के 650 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर विगत 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा निकालकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि लगभग 18 दिन से चल रही इस हड़ताल के कारण पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित है। न्याय यात्रा में जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए और धरना स्थल से शुरू होकर छत्रसाल चौक, चौबी तिराहा, खड़े हनुमान जी मंदिर, महल तिराहा होते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंचे। हड़ताल में शामिल जिला अस्पताल की फिजियोथेरेपिस्ट नेहा खरे श्रीवास्तव ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग को पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। यहां तक कि कोरोना काल में भी अपनी जान हथेली पर रखकर सेवाएं दी, बावजूद इसके सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। राजनगर ब्लॉक के घूरा में पदस्थ CHO डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए राजनगर से छतरपुर आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम चौबर के समीप एक बच्चा उनकी बाइक के सामने आ गया और उसे बचाते हुए डॉक्टर अतुल कुमार का संतुलन बिगड़ जाने से वे सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर अतुल का एक पैर दो जगह से फ्रैक्चर हुआ है। जी ये पीछे आप कैमरा घुमाइए जरा, ये देखिए जो भीड़ है जुटाई नहीं गई है, ये अपने अधिकार के लिए भीड़ बैठी हुई है। ये सभी संविदा स्वास्थ्यकर्मी जो हैं एक बिल्कुल निश्चित मूड बना के बैठे हुए हैं कि हम लोगों को नियमितीकरण की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तब तक ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ नहीं है, ये संविदा स्वास्थ्यकर्मी है, ये उठने वाले नहीं है। और आज हड़ताल का 20वां दिन हो गया है, 20वें दिन तक जो है बातचीत ऊपर स्तर से चल रही है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया है और संभवतः उम्मीद है जब तक निर्णय नहीं निकलेगा तब तक तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम लोग पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपना आवाज़ ऊपरी स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक हम मेरे ख्याल से हम लोगों की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची है। इसलिए आज हम लोग जनता के समर्थन के लिए ये न्याय यात्रा हम लोगों ने निकाली है सभी संविदा कर्मियों ने, जिसमें हमारे लिए सभी वर्गों का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे टैक्सी यूनियन, हमारे फार्मेसी यूनियन, इन्होंने हमारे और घरों से भी जिन्होंने घरों से भी हमारे लिए पूर्णतः सहयोग प्रदान किया है, समर्थन दिया है। आप लोगों से भी समर्थन प्राप्त हुआ है, सभी से समर्थन प्राप्त हो रहा है, ये समर्थन हम जनता से जुटाकर ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात को। और बहुत सालों से मैं यहाँ पर सेवाएं दे रही हूँ। कोरोना टाइम में हमारे सारे संविदा साथियों ने जी जान लगा के, खून पसीना एक करके आप सब जनता का खूब जितना भी हमसे बन सकता था सेवा कार्य किया। बदले में हम केवल नियमितीकरण की मांग चाहते हैं जो कि बाकी के सब विभागों में हो चुका है। केवल स्वास्थ्य विभाग के साथ ऐसा इस तरह का अन्याय किया जा रहा है, तो हम इस अन्याय के विरुद्ध आज न्याय यात्रा पर निकले हैं और आप सबसे न्याय की मांग करते हैं।